प्रत्येक प्राणी, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बच्चे हो, सब अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, आनंद से जीवन जीना चाहते हैं, एक दूसरे का स्नेह अर्जित करना चाहते हैं, इज्जत चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं। एक श्लोक बहुत सुंदर महात्मा विदुर जी ने लिखा है। महात्मा विदुर जी का नाम तो आप सब ने सुना होगा। महाभारत में पांडवों की जो पांडु थे, धृतराष्ट्र थे, उनके भाई थे और पांडवों के चाचा थे। उनका जीवन बड़ा ही पवित्र था। पूरे महाभारत जब हम पढ़कर देखते हैं तो सब उनका सम्मान करते थे, चाहे वो कौरव पक्ष हो, चाहे वो पांडव पक्ष हो। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में हमें मर्यादाएं देखने को मिलती हैं, धर्म देखने को मिलता है। बहुत धार्मिक थे, जीवन अच्छा था। उन्होंने एक श्लोक बहुत सुंदर लिखा है, विपदे धैर्यम अभ्युदयता क्षमा सदसी वाक्पटुता युधि विक्रमः यशसी चाभिरुचिर व्यसनम प्रकृति सिद्धौ ही महात्मनाम षड्गुणः। कि जो महात्मा होते हैं, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, उनके छह गुण होते हैं। महात्मा किसी वस्त्रधारी को नहीं कहेंगे कि हमने वस्त्रधारी कर धारण कर रखे तो हम ही महात्मा हैं। महान च असौ आत्मा, जिसकी आत्मा महान है, जिसके अंदर महानता है, वही महात्मा है। तो महात्मा विदुर जी ने छह गुण महात्माओं के बताए हैं, आप उनको ध्यान से सुनना। मैं पूछ भी लूँगा किसी से, बालकों से भी पूछूँगा, बेटा कितने गुण बताए महात्माओं के? छह गुण बताए। पहला गुण है धैर्यम, विपदि धैर्यम, विपत्ति में धैर्य न छोड़ना। ये कोई छोटा गुण नहीं है, हम छोटी छोटी बात पर ही विचलित हो जाते हैं। घर में, परिवार में जो झगड़े होते हैं, आपस में एक दूसरे के प्रति जो द्वेष होता है, वो एक दूसरे के कार्यों को देखकर होता है। हम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे अपना धैर्य खो बैठते हैं, और जो उस धैर्य खोने पर प्रत्युत्तर देते हैं, उसके कारण ही लड़ाई है, झगड़ा है, द्वेष है। अगर धैर्य आपको देखना है, पूरे इतिहास में, पूरे विश्व के अंदर किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य देखने को आपको देखना है, तो वो व्यक्ति है भगवान श्री रामचंद्र जी। रामचंद्र जी के जीवन को जब हम पढ़ते हैं, रामायण को पढ़ते हैं, तो उन जैसा धैर्यवान व्यक्ति कोई नहीं मिलता। आज वर्तमान में भाजपा सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या माना जाता है? राम मंदिर निर्माण। राम का ही मंदिर क्यों? क्योंकि राम जो थे ना, वो ऐसी संस्कृति के उपासक थे जिसके हम नहीं हैं। क्योंकि हम तो चित्र के उपासक हैं, और राम जी तो चरित्र के उपासक थे। हम आज चित्र होता है तस्वीर, और चरित्र होता है जीवन। रामायण क्या है? राम का अयन, राम का चरित्र जीवन तो रामायण है। हम लोगों ने राम के चित्र को तो खूब देखा है, और राम के चित्र को देखकर सिर भी झुका लेते हैं, राम का नाम सुनकर उसकी जय जयकार भी लगा देते हैं। परंतु राम का जो जीवन था, जो उनकी विशेषताएं थी, जो मर्यादाएं थी, जो गुण थे, उनकी तरफ हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, और वो देखना जरूरी है। तभी राम मंदिर बनाना सार्थक है, कि घर घर में राम जैसा मंदिर होना चाहिए। मंदिर का अर्थ आवास गृह, हमारे घर भी मंदिर जैसे ही होने चाहिए, परंतु राम जैसे होने चाहिए। तो राम के जीवन की मैं एक घटना बताता हूँ, कि जहाँ धैर्य देखने को मिलता है। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है, और घटनाएं सुनाई किन्होंने? सीता जी ने घटनाएं बताती रही, वे लिखते रहे। और राम जी के धैर्य की एक
प्रसंग सुनाते हुए सीता जी कहती हैं कि महर्षि वशिष्ठ बता रहे हैं कि जब राम जी का राज्याभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक की घोषणा हुई, तो राज्याभिषेक जब होना था तो उस यज्ञ के जो पुरोहित थे वो महर्षि वशिष्ठ थे। तो महर्षि वशिष्ठ के शब्दों में कि भावनाओं को महर्षि वाल्मीकि जी लिखते हुए कहते हैं, महर्षि वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि जब राम जी के राज्याभिषेक की घोषणा हुई तो बोले कि वशिष्ठ जी बोल रहे हैं कि मैं राम जी के चेहरे को देख रहा था कि कोई भाव तो नहीं बदला, खुशी के भाव प्रकट तो नहीं हो रहे। आजकल जब चुनाव होते हैं तो बहुत सारे MLA के पद के लिए दावेदार होते हैं, कैंडिडेट होते हैं अनेक पार्टियों से, जैसे BJP से भी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं, पर जैसे ही नाम आता है, MLA की टिकट मिल गई, नाम फाइनल हो गया, तो कितनी खुशी होती है, लड्डू बटते हैं, ढोल नगाड़े, नाच गाना होता है, शराब बांटी जाती है। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि चक्रवर्ती साम्राज्य के राजा के पद के लिए उनका नाम नामांकित हो गया था, मनोनीत हो गया था, और उस घोषणा को सुनकर भी राम जी के चेहरे पर कोई भाव खुशी का नहीं था, जैसे पहले खड़े थे वैसे ही सामान्य बने हुए थे। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैंने आंखों के माध्यम से अंदर झांकने की कोशिश की कि अंदर तो भाव नहीं है, कि बाहर से तो सामान्य दिखा रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और अंदर से खुशी फूट रही हो, तो कहा कि अंदर भी शांत बने हुए थे। ये धैर्य होता है कि खुशी में भी प्रफुल्लित न होना, उसके ऊपर अपनी हावी न, अपने ऊपर हावी न होने देना। महर्षि वशिष्ठ जी आगे कहते हैं कि सायंकाल होते होते एक दूसरी घोषणा हो गई कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास होगा, और कहा कि जब ये घोषणा हुई बोले कि तब भी मैं राम जी के चेहरे को देख रहा था, टिकट कट जाए एकदम से फाइनल होने के बाद, है जी, मंत्री पद के लिए नाम चल रहा हो सबसे आगे और फिर एकदम से कट जाए तो कितना भयंकर दुख होगा, डिप्रेशन में कितने चले जाएंगे, नींद भी आनी बंद हो जाएगी, गोलियां इतनी खानी पड़ेगी, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, हार्ट अटैक भी आ सकता, मर भी सकते हैं, है जी। तो कहा कि उस समय भी मैं चेहरे को देख रहा था, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, तो बोले कि जैसे सवेरे खड़े थे वैसे ही उनके चेहरे पर भाव थे, कोई भाव में परिवर्तन नहीं था। ये राम जी के धैर्य की परीक्षा थी। राम जी का नाम ऐसे ही नहीं लेते, आप सब हम राम जी को ऐसे जानते हैं जैसे हमारे साथी उनके बच्चों के नाम भी जानते हैं, उनकी पत्नियों के, भाइयों के, सबके नाम जानते हैं, उनके पिता दादा सबका नाम जानते हैं, जबकि अपनी चौथी पीढ़ी में हमारे दादा कौन थे, परदादा कौन थे, पांचवी पीढ़ी में जानते ही नहीं, उनके भाई कौन थे उनको नहीं जानते, अपनी पीढ़ियों को नहीं जानते, परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी के परिवार को ऐसे जानते हैं जैसे आजकल ही हुए थे। तो धैर्य अगर सीखना है तो भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन से हम सीखें, क्योंकि जीवन में अगर सुखी रहना, परिवार को जोड़ के रखना है, सम्मान अगर सीखना है तो राम जी से सीखना पड़ेगा, रामायण से सीखना पड़ेगा। राम के चित्र को देखने से कुछ नहीं होगा, चित्र के सामने सिर झुकाने से कुछ नहीं होगा, राम का मंदिर बनाने से भी कुछ नहीं होगा, जब तक कि राम के चरित्र की उपासना नहीं होगी, क्योंकि राम जी चरित्र के उपासक थे न कि चित्र के उपासक थे। राम जी के महत्व को हम महाभारत में भी देखते हैं। जब महाभारत का, आपने महाभारत पढ़ी होगी, तो उस महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब महाभारत का युद्ध हो गया, पितामह भीष्म भी इस धरती से चले गए, देह का त्याग कर दिया, तो अपने भाइयों बंधुओं और अपने बड़ों की, गुरुजनों की हत्या का दुख देखकर, दृश्य देखकर युधिष्ठिर जी बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक प्रतिज्ञा कर ली, उन्होंने एक प्रतिज्ञा की कि मैं इस राज्य को नहीं भोगूंगा, और एक प्रतिज्ञा कर युद्ध भूमि में ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए कि मैं अब इस पेड़ से के नीचे से उठूंगा नहीं, अगर कोई अब आकर मेरे एक हाथ को आरी से काटने लगे तो मैं दुख से विचलित नहीं होऊंगा, उफ तक नहीं करूंगा, आह नहीं करूंगा, और दूसरी बाहक बाजू को अगर कोई आके सत्कार करे, फूल मालाएं चढ़ाए, दबाए उसको, तो मैं खुश नहीं होऊंगा, मैं यहीं बैठा रहूंगा, मैं ऐसे राज्य को नहीं भोगूंगा जो रक्त रंजित है, अपनों के रक्त से, खून से सना हुआ है।
तो वहाँ पर सब समझाते हैं उनको, अर्जुन भी समझाते हैं, भीम भी समझाते हैं, नकुल सहदेव भी समझाते हैं, अन्य लोग भी समझाते हैं, द्रौपदी भी समझाती है। उन उपदेशों को अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि राम केवल महाभारत को हम लड़ाई का ग्रंथ मानते हैं कि महाभारत नहीं पढ़नी चाहिए, रामायण नहीं पढ़नी चाहिए, परंतु जब उस उन उपदेशों को, उन समझाने के बातचीत के प्रकरण को आप जब पढ़ेंगे तो कहा कि आप वास्तव में विचार करोगे महाभारत भी पढ़ने योग्य ग्रंथ है। जब किसी की युधिष्ठिर जी नहीं मानते तो अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण जी उनको समझाते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपको राज्य करना है परंतु अपने सुख के लिए नहीं करना, आपको राज्य करना है राम के समान राज्य करना है, राम जी के समान। वहां उदाहरण देते हैं, कहते हैं कि राम जी ने ऐसा राज्य किया कि राम के समय में ऐसा कोई भूमि का टुकड़ा नहीं था जो बंजर होता हो, ऐसा कोई पेड़ नहीं था जिस पर फल नहीं लगते हो, ऐसी कोई गाय नहीं थी जो द्रोणी ना हो, द्रोणी गाय थी, द्रोणी गाय कहते हैं जो 20 शेर दूध देती थी। इस बात को मानना पड़ेगा क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह रहा, योगेश्वर श्री कृष्ण जी कह रहे हैं तो मानने योग्य तो है। तो कहा कि राम के समय में पिता से पहले पुत्र नहीं बन मरता था, किसी पुत्र की अर्थ किसी पिता के कंधे पर नहीं जाती थी, बोले कि ऐसे राज्य करना है। तो कितना बड़ा जीवन रहा होगा राम जी का। तो पहला जो गुण होता है महात्माओं का वो धैर्य गुण होता है। तो धैर्य अगर देखना है तो राम जी को देखना होगा, तो राम के चित्र को नहीं, चरित्र को हम अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम राम के पुजारी हैं, राम के वंशज हैं, राम के भक्त हैं। नहीं तो केवल जैसे भांड होते हैं ना, एक्टर होते हैं, कलाकार होते हैं, किसी भी किरदार को ऐसे निभाते हैं, प्ले ऐसे करते हैं कि जैसे जीवंत कर देते हैं कि साक्षात इसी के साथ घटना घट रही है। तो राम की जय जयकार लगाने से पहले उनके जीवन को पढ़ें, उनके जीवन को जानें और उनके गुणों को अपने जीवन के अंदर धारण करें तो निश्चित रूप से हम क्या होंगे, राम के उपासक होंगे। दूसरा जो गुण होता है महात्माओं का वो अहंकार रहित होता है, उसके अंदर अहंकार नहीं होता। अहंकार सुनो बहनों, अहंकार तीन चीज़ों के कारण होता है। पहला जो अहंकार, अभ्युदयता क्षमा, कहा कि अहंकार होता है पहले शरीर बल के कारण। शरीर में अगर बल आ जाए, शरीर सुंदर हो तो सुंदरता का भी अहंकार होता है, शरीर में ताकत आ जाए। एक मोहल्ले में 20 बच्चे हैं, उनमें से 20 में से एक बच्चा ताकतवर हो जाए, पहलवान बन जाए, तो उसको ताकत का अभिमान हो जाता है और उनको बहुत सताता है, वो सताता है कि नहीं सताता, चलते हुए भी उनको मारेगा, पीटेगा, छेड़खानी करेगा, टंगड़ी खींच लेगा, टंगड़ी अड़ा देगा। तो कहा कि शरीर के कारण अहंकार होता है। दूसरा होता है पैसे के कारण, वित्त के कारण, धन के कारण। किसी कोई गरीब था, उसके बहुत सारे मित्र थे और एकदम से उसके पास धन आ जाए तो वो आदमी को आदमी कहना छोड़ देता है, मित्र को भी नहीं पहचानता। तो दूसरा अहंकार धन के कारण, और तीसरा जो अहंकार होता है वो पद के कारण होता है, पद के कारण। कोई बड़ा पद मिल जाए, मंत्री बन जाए, MLA बन जाए, MP बन जाए, तो होता है ऐसा कि हमारे आसपास, हमारे रिश्तेदारी में, हमारे मित्रों में किसी व्यक्ति को बड़ा पद मिल गया, धन आ गया या शरीर का बल आ गया तो हमको पहचानता ही नहीं, वो भाव नहीं देता। होता है कि नहीं होता ऐसा? अहंकार मनुष्य का बड़ा शत्रु है। तो कहा कि तीनों अवस्थाओं में बल आ जाने पर, धन आ जाने पर और पद आ जाने पर जो सामान्य बना रहे, अपने को तुच्छ समझे कि ये तो जो भी कुछ है ये सब मेरे अपनों के कारण है, क्योंकि व्यक्ति के पास अपना कुछ नहीं होता। जो भी ताकत होती है उसके परिवार की, उसके मित्रों की। विदुर जी एक बात और कहते हैं कि कौन सुखी है? तो कहा कि जिसके मित्र हैं वो सुखी है, क्योंकि आदमी अपने दुख सुख किसके साथ बांटेगा, अपनी बात शेयर किसके साथ करेगा, किसके साथ खुलकर जिएगा, किसके साथ सुख भोगेगा? अपने मित्रों के साथ। और जिसके मित्र होते हैं वो सुरक्षित भी होता है, वो जीवन का आनंद लेता है। तो हमें इन तीनों चीज़ों में अहंकार नहीं करना चाहिए। एक भाई के पास, दो तीन भाई हैं, एक भाई के पास पैसा आ जाए तो दूसरे भाइयों को तुच्छ समझना शुरू कर देता है, पद आ जाए तो तुच्छ समझना शुरू कर देता है, बल आ जाए तो तुच्छ समझना शुरू कर देता है कि कुछ नहीं, मेरे सामने तेरी औकात क्या है। अरे एक माँ बाप की तो औलाद हो तुम, जैसी तेरी औकात है वैसी इसकी औकात है जी, क्या अलग होगा? एक माँ बाप के बच्चों की अलग अलग औकात हो सकती है क्या?
परंतु कहते हैं, देवरानी जेठानी से कहती है, तुम्हारी क्या औकात है हमारे सामने। जेठानी देवरानी से कहेगी कि तुम्हारी क्या औकात है मेरे सामने। परंतु दोनों की तो औकात तो एक ही है, एक ही कुल की बहुए हैं वे। वाक सदसी वाक्पटुता, कि सभा में बोलने का गुण होता है कि सभा में बहुत अच्छा बोलते हैं, परंतु वो वाणी से ही नहीं बोलते, वो आत्मा से बोलते हैं, हृदय से बोलते हैं। उनकी आज बहुत सारे हमारे जैसे बोलने वाले हैं, कथावाचक हैं। पहले उपदेशक ज़्यादा थे या अब उपदेशक ज़्यादा हैं, हैं जी? कितने भी टेलीविज़न चैनल खोलो, इतने कथावाचक सवेरे से शाम तक, हर टेलीविज़न पर, हर शहर में कथा हो रही है, परंतु प्रभाव तो हो ही नहीं रहा, बदलाव कुछ हो ही नहीं रहा, लोगों के जीवन में सुधार हो ही नहीं रहा, समाज सुधरने की बजाय बिगड़ रहा है। तो तीसरा जो गुण होता है महात्माओं का, सदसी वाक्पटुता। आज केवल जो बोला जाता है वो वाणी से बोला जाता है, और महात्मा जो बोलते हैं वो हृदय से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं, अपने जीवन में उन चीज़ों को लागू करते हुए बोलते हैं। तो हमें केवल उन बातों को रट कर बोलना नहीं है, और ऐसा बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला इतिहास में। हम नेताजी सुभाष चंद्र जी का जीवन देखने को मिला, माताओं को गहने और अपने बच्चे बड़े प्रिय होते हैं, माताओं को गहने, अपने आभूषण और अपने बालक बड़े प्रिय होते हैं। आजकल एक एक बच्चे हैं, हम बहुत सारे लोगों को प्रेरणा करते हैं कि गुरुकुल में भेज दो, तो व्यक्ति कहेगा जी मेरी पत्नी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, वो अपने से अलग नहीं कर सकती, अलग सुलाती भी नहीं है, मामा के यहाँ भी नहीं भेजती, दादा दादी के पास भी नहीं बैठने देती, इतना प्यार करती है। तो माताओं को अपने बच्चों से इतना स्नेह, इतना मोह ममत्व कि अलग नहीं होने देना चाहते, और गहनों से आभूषणों से भी बहुत प्यार होता है, होता है कि नहीं होता? एक दूसरी स्त्री को देखकर, उसके गले में हार देखकर, कानों में कुंडल देखकर, या और दूसरा आभूषण देखकर पति से जिद करती है कि मेरे लिए भी यही होना चाहिए, है जी? होता कि? परंतु हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जीवन देखते हैं कि उन्होंने जब देश के लिए जंग लड़ी, आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ा, और लोगों से कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इस बात का, इस वाक्य का इतना प्रभाव हुआ क्योंकि हृदय से, आत्मा से बोला हुआ वाक्य था कि माताओं ने अपने पुत्र दे दिए, अपने गहने उतार उतार कर दे दिए। ऐसे ही एक और नेता हमारे देश में हुए जो प्रधानमंत्री बने, 18 महीने इस देश के प्रधानमंत्री रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी। उस समय देश में अन्न का संकट था, भूख तो तोड़ देती है ना, सब कुछ छोड़ सकता आदमी, अन्न नहीं छोड़ सकता, भोजन नहीं छोड़ सकता। देश में अन्न की समस्या को देखकर लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान, तो लोगों ने, पूरे देश ने अपनाया और कहा कि सप्ताह में एक दिन अन्न छोड़ना है, भोजन नहीं खाना, सारा दिन देश उपवास करने लगा। लाल बहादुर शास्त्री जी 18 महीने देश के प्रधानमंत्री रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू 18 वर्ष रहे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू 18 वर्ष में वो काम नहीं कर पाए जो लाल बहादुर शास्त्री जी 18 महीने में काम कर पाए। तो ये वो काम है, ये वाणी जो होती है वो हृदयस्थ वाणी होती है, सदसी वाक्पटुता, कि आज जीवन क्यों नहीं बदल रहे, क्योंकि हम हृदय से नहीं, मुख से बोल रहे हैं, जिह्वा से बोल रहे हैं। तो महात्माओं का तीसरा गुण होता है कि वे हृदय से बोलते हैं, आत्मा से बोलते हैं, आत्मा से बोली हुई चीज प्रभावित करती है। और चौथा जो गुण होता है महात्माओं का, वो होता है युद्ध पराक्रम है, कि वे युद्ध में पराक्रम दिखाते हैं, कायरता नहीं दिखाते, वीरता उनका आभूषण होती है। आज पहले जैसी स्थितियां नहीं रही आमने सामने की लड़ाई लड़ने की, कि तलवारों की लड़ाई हो, तीर कमान की लड़ाई हो, भालों की लड़ाई हो, लाठियों की लड़ाई हो, ऐसी लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शासन प्रशासन है उसके लिए। तो आज लड़ने की जरूरत है बुराइयों के खिलाफ, हर आदमी त्रस्त है, समाज में इतनी बुराइयां, इतना व्यभिचार, इतनी समस्याएं हैं कि उनके खिलाफ आवाज उठाने वाला चाहिए। समाज में बिखराव है, हम हिंदू होते हुए भी आपस में अलग अलग बटे हुए हैं, जातिवाद के नाम पर, जातिवाद समाज की बहुत बड़ी समस्या है देश की। तो इस समस्या से बचने के लिए हमें इसके खिलाफ मुहिम चलानी चाहिए, और जब तक हम एक नहीं होंगे, इस जातिवाद की बेड़ियों को, इस बंधनों को, मर्यादाओं को नहीं तोड़ेंगे, तब तक हमारा देश और हमारी ये जाति, हिंदू जाति, उन्नति नहीं कर सकती, हम आपस में सुख से नहीं रह सकते। तो हमें इस पर भी ध्यान देना चाहिए।
अगर कोई हमारे पड़ोस में, कोई हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारा गांव का वासी अगर किसी समस्या से पीड़ित है तो मुख नहीं मोड़ना है, उसकी आह को सुनना है, उसके दर्द को पहचानना है, उसकी पीड़ा को समझना है। और जब हम पीड़ा को समझेंगे, उसके दर्द को अनुभव करेंगे, तो उसके लिए लालायित होंगे, जैसे अपने भाई की समझते हैं, जैसे अपने रिश्तेदारों की मदद के लिए खड़े हो जाते हैं। तो हमें गांव के लिए, तभी तो एकता आएगी, एक रास्ता आएगी, एक जुटता आएगी, और ये बंधन, ये बेड़ियां टूटेंगी, हम एक हो जाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। एक और रह गया बस अंतिम, पांचवा जो गुण है वो है यशसी चाभि रुचिर, कि जो महापुरुष होते हैं वो ये चाहते हैं कि मेरा नाम दूषित नहीं होना चाहिए मेरे मरने के बाद भी। और जो महापुरुष होते हैं उनका नाम हम मरने के बाद भी सम्मान से लेते हैं, उनके नाम पर काम करते हैं। हम महर्षि दयानंद के नाम पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज मुझे आप सबके सामने आने का अवसर मिला, आप सबको यहाँ आने का अवसर मिला, तो किसके नाम पर? महर्षि दयानंद के नाम पर। हमारी जितनी भी चर्चाएँ होती हैं, जितने भी उदाहरण होते हैं उन महापुरुषों का जिन्होंने अच्छे काम किए, तो हमारा जीवन भी ऐसा होना चाहिए कि हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम कलंकित ना हो। और छठा जो गुण होता है महापुरुषों का वो होता है सत्संग और स्वाध्याय का, कि वे अच्छे लोगों का संग करते हैं और स्वाध्याय करते हैं। अच्छी पुस्तकों बाहर देखो बहनों, आपको प्रत्येक शहर में, प्रत्येक गली में, प्रत्येक गांव में बुक डिपो मिल जाएंगे, अनेक तरह की पुस्तकें पढ़ने को मिलेंगी, रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डे पर भी मिलेंगी, परंतु वैदिक साहित्य आर्य समाज के सत्संग के अलावा, कार्यक्रम के अलावा कहीं नहीं मिलेगा। ये लोग जो लोग पुस्तक बेच रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा तप कर रहे हैं, बहुत बड़ा कार्य है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक एक पुस्तक जरूर खरीद के लेके जाएं, क्योंकि घर में जब साहित्य होगा ना तभी स्वाध्याय कर पाएंगे, नहीं तो स्वाध्याय नहीं होगा। आप सबका बहुत धन्यवाद, मेरी वाणी को बड़े प्यार से सुना, शांति से सुना, सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी जी वैदिक सिद्धांतों को, वैदिक भजनों को, वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आप वैदिक राष्ट्र YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स, सुझाव देते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।